गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम माइक्रोस्कोपी के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं माइक्रोस्कोपी होती क्या है। माइक्रोस्कोपी हम यूज करते हैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होती है, या फिर हम माइक्रोस्कोपी को यूज कर सकते हैं जब हमें किसी चीज को मैग्नीफाई करके देखना होता है। अब माइक्रोस्कोपी में कुछ ऐसी टर्म्स होती है जिनके बारे में हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। सबसे पहली टर्म है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, समझिए मेरे पास एक इमेज है और इस इमेज पे दो डॉट्स प्रेजेंट है। अगर माइक्रोस्कोप बता पाया कि ये जो दो डॉट्स है ये अलग अलग है, यानी कि इस माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन अच्छा है। वहीं अगर माइक्रोस्कोप ये नहीं बता पाया कि ये दो डॉट्स जो है वो अलग है, अगर माइक्रोस्कोप ये शो कर रहा है कि ये तो एक ही है, तो इसका मतलब है कि माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम प्लेन में होते हैं और ऊपर से देख रहे होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि चीजें बहुत एक ही है, अलग अलग चीज नहीं है, हमें दो बिल्डिंग भी एक ही लगती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्लेन नीचे आता जाता है वैसे वैसे हमें पता चलता है अरे यार ये तो दो अलग बिल्डिंग्स थी, ऊपर से लग रहा था ये तो एक ही है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे रेजोल्यूशन जो है अच्छा हो रहा है। तो माइक्रोस्कोप में क्या सीन है, अगर दो डॉट्स अलग बता पा रहा है तो रेजोल्यूशन इज गुड। इसी से ही रिलेटेड एक और चीज भी होती है जिसको हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब है कि अगर दो डॉट्स बहुत ज्यादा नजदीक हैं फिर भी माइक्रोस्कोप बता पा रहा है कि ये दो डॉट्स अलग अलग है तो मतलब माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है कि दो डॉट्स में कितना डिस्टेंस है कि यहां पर माइक्रोस्कोप बता पा रहा है कि ये दो डॉट्स अलग अलग है। अच्छे से समझते हैं, समझे मेरे पास यहाँ पर दो इमेज है। पहले इमेज में जो दो डॉट्स है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 नैनोमीटर का। अब 10 नैनोमीटर डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन माइक्रोस्कोप बता पा रहा है कि हाँ जी ये दोनों जो डॉट्स है वो अलग अलग है। वही मेरे पास एक और इमेज है और उस इमेज में दो डॉट्स के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और माइक्रोस्कोप बता पा रहा है कि हाँ ये दोनों डॉट्स अलग अलग है। पर अगर मैं देखूं मेरा कौन सा माइक्रोस्कोप ज्यादा अच्छा है जो इतनी सी दूरी को भी बता पा रहा है या जो इतनी दूरी को बता पा रहा है, कौन सा माइक्रोस्कोप अच्छा, ऑब्वियस सी बात है ये वाला माइक्रोस्कोप अच्छा है क्योंकि उसने इतने से डिस्टेंस को भी बता पाया है, वो छोटे से डिस्टेंस को भी वो बता पा रहा है कि हाँ भाई ये दोनों स्पॉट्स अलग है भले ही उनमें इतना सा भी डिस्टेंस हो। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वो मिनिमम डिस्टेंस होती है दो डॉट्स के बीच में जिसको माइक्रोस्कोप पता लगा सकता है और बता सकता है कि हाँ ये दो डॉट्स तो अलग है। तो दो डॉट्स के बीच में वो मिनिमम डिस्टेंस को हम यहाँ पर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें जो रेजोल्यूशन और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब है जितना कम डिस्टेंस, जितना ज्यादा 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 कम डिस्टेंस हो उतना अच्छा माइक्रोस्कोप है। यानी कि जितना कम डिस्टेंस का माइक्रोस्कोप बता पा रहे कि डॉट्स अलग है तो माइक्रोस्कोप उतना अच्छा है ना, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस वाले का भी बता पा रहा है। और रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है और क्लियरिटी देना, और क्लियरिटी देना। तो जितनी ज्यादा क्लियरिटी दे रहा है, जितने अच्छे से बता पा रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं जितना कम डिस्टेंस हो वो भी अगर माइक्रोस्कोप पकड़ पा रहा है तो उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अगर हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला देखें तो एक फॉर्मूला होता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लैम्डा बताता है वेवलेंथ, जो ऊपर लिखा है लैम्डा। अगर हम वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ क्या होती है, अगर हम लाइट को देखें तो लाइट में जो दो आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब यहां पर ये डिस्टेंस जितना बड़ा होगा उसको हम लॉन्गर वेवलेंथ कहेंगे और ये डिस्टेंस जितना छोटा होगा हम उसको शॉर्टर वेवलेंथ कहेंगे। अब जो d है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा डिस्टेंस होगी और वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी कम डिस्टेंस होगी। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर जितने कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को रेजोल्यूट कर सके उतने कम से कम ऑब्जेक्ट को हमें रेजोल्यूट करवाने में मदद करनी है। तो यहां पर d छोटा चाहिए तो हमें लैम्डा भी छोटा रखना पड़ेगा, यानी कि लैम्डा को हमें शॉर्टर वेवलेंथ का रखना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम वायलेट लाइट को प्रेफर कर सकते हैं।
यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है n साइन अल्फा, इसको हम न्यूमेरिकल अपर्चर भी कह सकते हैं। n का मतलब क्या होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर अगर हम देखिए तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और d जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब है जितना ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम d होगा। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता क्या है, यहाँ पर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे पास होती है तो बेंड होती है, इस चीज को हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब आप देख सकते हैं एयर और वैक्यूम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नियर अबाउट 1 है, लेकिन जैसे हम ऑयल के पास जा रहे हैं तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी हम स्लाइड बनाते हैं तो उसके ऊपर हम ऑयल पुट कर देते हैं, ग्लिसरीन पुट कर देते हैं, क्योंकि उनका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ज्यादा करने से हमें हेल्प मिलती है और हमें और क्लियर इमेजेस दिखती है? इसका रीजन ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप ऊपर एयर रखोगे, यानी कि आपने कोई भी यहाँ पर मीडियम एक स्पेशल प्रोवाइड नहीं किया है, तो इस कंडीशन में जब नीचे से लाइट आ रही है तो वो स्लाइड की ग्लास को टच करके रिफ्रेक्ट हो रही है। पर अगर आपने ग्लास के ऊपर ऑयल रख दिया है, ग्लिसरीन रख दिया है, तो ग्लास और ऑयल का लगभग जो यहाँ पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो सेम है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो लाइट है वो आराम से ऑब्जेक्ट से पास होके ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को ज्यादा रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चीज होती है साइन अल्फा, या फिर इसको हम साइन थीटा भी कह सकते हैं। साइन अल्फा या साइन थीटा क्या होता है, ये हाफ होता है एंगुलर अपर्चर का। एंगुलर अपर्चर क्या होता है कि स्पेसिमेन से जो लाइट पास हो रही है और ऑब्जेक्टिव लेंस में जा रही है तो वो जितना एंगल बना रहा है उसको आप एंगुलर अपर्चर कहते हैं, और इसके हाफ को हम साइन अल्फा या फिर साइन थीटा कह सकते हैं। अब यहां पर जितना ज्यादा साइन अल्फा या फिर साइन थीटा होगा उतनी ही कम हमारी डी की वैल्यू होगी, क्योंकि डी जो है वो साइन अल्फा और साइन थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम जब भी हमारे माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस को पास लाते हैं स्पेसिमेन के, वैसे वैसे हमें चीजें और क्लियर दिखने लग जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम पास ला रहे हैं वैसे वैसे एंगुलर अपर्चर बढ़ रहा है तो साइन थीटा या अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए हम पास लेकर जाते हैं। तो यहां पर ये हो गया नॉर्मल न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में और वेवलेंथ के बारे में। नेक्स्ट चीज एक और होती है जिसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो इमेज है वो हमें मैग्निफाई करके दिखाई जा रही है। अब यहां पर हमारे पास दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस का लेंस होता है या फिर ऑक्यूलर लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस को हम चेंज कर सकते हैं, यहां पर हम चेंज करते हैं उसको 10x 20x 40x पे। अब ये 10x का मतलब क्या होता है कि जो लाइफ फॉर्म है उससे 10 टाइम्स ज्यादा बड़ी हमें इमेज शो की जा रही है। यहां पर अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारा आईपीस नॉर्मली 10x का होता है और यहां पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 10 20 हम इसको चेंज करते रहते हैं। तो समझिए मेरा अगर ऑब्जेक्टिव लेंस भी 10 का है और आईपीस भी 10x का है, दोनों 10x का है, तो 10x इंटू 10x का मतलब कितना हो जाएगा कि हमारी जो इमेज है हमें 100x दिख रही है, यानी कि 100 गुना ज्यादा दिख रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे माइक्रोस्कोपी वर्क करती है।